want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Ankako. Wangzarkaro. Ankako. Wangzarkaro. Ankako. Wangzarkaro. Ankako. Wangzarkaro. We want justice. We want justice. Oh, Jake, it's the ambulance. We want justice. 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 Management! Hey! Management! Justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Bamkako! 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 Jo humse takraega! Jo humse takraega! Kan saab aage badho! Kaisar saab aage badho! जैसे भी रोज रोज हम सड़कों पर हमें शौक आने का नहीं है, मगर मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ता है क्योंकि हमारी चार महीने की सैलरी इस वक्त बंद है। हमारे मुलाजिम परेशान हाल हैं इस महामारी की बीमारी में। हमारे बहुत से मुलाजिम अस्पताल में, उनको दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनको फैमिली को फीड करने के लिए पैसा नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर आए और कन्फ्रंटेशन सरकार से ले, मगर मुझे लगता है सरकार को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो मुलाजिमों के मसाइल हल करे। तनख्वाह के बगैर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? अगर बाजाबा मरकजी सरकार ने हमें 230 करोड़ का ग्रांट इन एड दे दिया और बाजाबा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जनवरी 2021 को कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मुलाजिम को बाजाबा तनख्वाह ट्रेजरी से मिलेगा और जो आमदनी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को आएगी वो ट्रेजरी में जाएगी, मगर मुझे लगता है वो यहाँ से हमारे 80 करोड़ रुपया उनने ले लिए मगर हमको तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हाल हैं। इसीलिए मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो उनके पास है और वो चेयरमैन भी है फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, या हमारे मसाइल हल करें या फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का चार्ज किसी दूसरे एडवाइजर साहब को दे जिसके पास हम जा सकें और अपने मसाइल हल करवा सकें। एलजी साहब तो हमारी रसाई नहीं है, क्योंकि उनके और भी काम हैं और वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की तरफ सारा तवज्जो नहीं देख सकते। कितना ही अच्छा होता अगर वो बाहर से चेयरमैन इसमें मुदाखलत करते और हमारे मसाइल हल करवाते। अगर उनने हमारे मसाइल हल ना करवाए तो मजबूर हमें अहल समेत आप सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है आपका अगर किसी मेरे दोस्त को, मेरे मुलाजिम को घर पर कोई पशु वशु भी था, गाय वाय थी, वो भी बेच दी उसने, और घर पर कोई प्रॉपर्टी थी वो भी बेच दी। कौन सा इंसान बगैर चार महीने तनख्वाह के जिंदा रह सकता है? ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर इनको हमारे मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को बंद करें, हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मत गम करें। हम बहुत ज्यादा वही काम करते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, क्यों हमें परेशान हाल करते हैं? नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।